जल्दी चलो, तुम दोनों वक्त बर्बाद कर रहे हो। हम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे, हम तो झाड़ी में शेर खान को ढूंढ रहे हैं। शेर खान की चिंता छोड़ो, तुम्हें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हम पीछे न रह जाए। मैं बहुत थक चुका हूँ, कोई तो समझो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें खुद चलना होगा। सिम्बा, हाँ? आगे कुछ ही दूरी पर पानी है। ठीक है, तुम सबको जाकर खबर कर दो कि कुछ देर के लिए यहाँ ठहरेंगे। बिल्कुल सही कहा, अभी सबको बताता हूँ। हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे दोस्तों। अच्छा वो हम यहाँ रुक गए, ये सफर तो दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। क्या कर रहे हो मोटू, मुझे तो लगा था कि तुम थक गए हो। क्या हुआ, क्या हो गया मोटू? मुझे लगता है यहीं कहीं पर कोई खतरा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लुटेरों वाले बुद्धि पर जाग गई है। क्या तुमने कहा को देखा है? बहुत दिन से दिख नहीं रहा। हाँ, नहीं, तुम्हें क्या लगता क्या है? क्या बता, हो सकता है उसके सिम्बा से लड़ाई हुई हो। शायद उसने दुश्मन से हाथ मिला लिया। क्या हो रहा है? तुम में से किसी को ये फल चाहिए? काफी मीठे है, इसके पहले कि मैं नीचे आ जाऊं बता दो। ये शहद जितने मीठे तो नहीं है पर काम चल जाएगा। हमें भूख नहीं है बालू। तुम लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ, हमें तो किस बात का है कि हमारा दोस्त गद्दार निकला। और ये बात तुम्हें किसने बताई? कई दिनों से हम में से किसी ने उसे देखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गद्दार है, वो कोबरा से मिलने गया है जरूरी काम से। वो सारे सांपों का राजा है, भूल गए क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि शेर खान के खिलाफ हमारी फौज और बढ़ जाएगी। तुम समझ गए दोस्त? जान में जान आ गई। सिम्बा, तुमने कितनी सुंदर जगह चुनी है आराम करने के लिए। तो कहा, कोई अच्छी खबर लाए हो क्या? बताओ कैसा रहा, मैं सब जानना चाहता हूँ। किंग कोबरा को बहुत खुशी हुई कि हम उसे अपने दल में शामिल कर रहे हैं। अपनी सेना के साथ वो जल्दी आ जाएगा। क्या किंग कोबरा उस आग उगलने वाले कोबरा को जानता है? हाँ, वो उसे जानता है सिम्बा। हैरानी की बात ये है कि सफेद कोबरा किंग कोबरा का भाई था। तो फिर सफेद कोबरा ने हम पर हमला क्यों किया था पिछली बार? सफेद कोबरा हमेशा ही दुष्ट और पापी रहा है। किंग कोबरा हमारे साथ है, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम्हें यकीन है किंग कोबरा बदला नहीं लेना चाहता है? मुझे नहीं लगता, वो जानता है कि एक बार तुम्हारे साथ हो गया तो उसे कोई खतरा नहीं। मुझे लगता है कि हम सबको मिलके किंग कोबरा और उसके साथियों का स्वागत करना चाहिए। अच्छा विचार है, उसे खुशी होगी। तो सिम्बा ये सोच रहा है कि तुम उसकी फौज में शामिल होने वाले हो। तो इस हंसने की क्या बात है? मैं अपने दिमाग की शातिर चालों पर हंस रहा हूँ, समझे तुम? कुछ देर के लिए मुझे लगा कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और हम मजाक उड़ाए भी तो तुम क्या कर लोगे? हुजूर, ये भी अपने भाई की तरह भावनाओं में बह जाता, जरा संभल के। तुम मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें कोई खबर है? मैंने सुना उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, बोलो। मैं तो वो दुर्घटना सोचता हूँ तो मुझे ऊपर वाले की याद आती है। बताओ क्या हुआ था, वरना तुम बहुत पछताओगे। सरकार, तुम क्यों जानना चाहते हो? वो तो तुम्हारे परिवार से अलग हो गया है ना। मेरे परिवार को ये जानने का हक है शेर खान। अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो तुम क्या कर लोगे? अगर मैं बताऊं कि वो मगरमच्छों के घाटी में गिर गया था, पानी में, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? वही लोग जिनकी दावत में तुम जा रहे हो। रुको। जरा बताओ इस सांप को, इसके भाई को क्या हुआ?
बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो, वो जंगल में दहशत फैला रहा था। कितना बुरा अंत हुआ उसका, बहुत दर्दनाक था। वो सफेद कोबरा सिम्बा के दोस्त बकशॉट का पीछा कर रहा था। वो आग उगल रहा था, जंगल में तबाही मचा रहा था। छोड़ो अभी। फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। मैं अपने भाई की जान का बदला ले रहा है। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी चाल क्या है। सिम्बा और उसके साथियों को मारकर मैं अपने भाई की जान का बदला लूंगा। मेरे पास इससे बेहतर प्रस्ताव है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऊपर देखो, एक बार हम उस सिम्बा को और उसके साथियों को हरा दें, फिर यहाँ हमारा राज होगा। इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? बात तो तुम्हारी भी सही है, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। इसकी क्या जरूरत है, हम दो बार सिम्बा से हार चुके हैं। अब तो शक्तिशाली गेंडे भी उनकी तरफ हैं। आप सिम्बा को हुजूर की मदद के बगैर नहीं हरा सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? माफ कीजिए, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, बेवकूफ है। समझता हूँ अगर तुम ये नहीं करते तो मैं इसे चुप कराता, पर तुमने कैसे किया ये? ये मेरा अपना तरीका है, किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं अपनी योजना के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। बहुत खूब मेरे दोस्त, अपनी फौज को बुला लो जल्दी से। और तुम नींद से जागो बेवकूफ। ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी आदेश है। कैसा आदेश? मैं कौन हूँ? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सुनो, चुपके से इनका पीछा करो, कोई हमें देखने ना पाए। मोटू इधर आओ। क्या हो गया, कुछ और दिखाई दे रहा है तुमको? समझ नहीं आ रहा है, देखो। थोड़ी देर यहाँ रुक जाना चाहिए आराम करने के लिए। अच्छा हुआ, वैसे भी दिन भर उड़कर थक गया हूँ। शुक्र है हम रुक गए, इस गर्मी ने तो जान ले ली है। तुम्हारी बारी है फ्लैश। अरे वाह, बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा करते हो। तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। का
कहा अब तक कोबरा की फौज को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था ना, अब तक आए क्यों नहीं वो? धीरज रखो। तुम ठीक कह रहे हो, जब वो आ जाए मुझे खबर कर देना। बकशॉट, मुझे आराम करना है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है हमारी जान को खतरा है, हमें सिम्बा को बताना चाहिए। हाँ सही कहा, चलो आओ। सिम्बा, क्या हुआ, तुम्हारा पनीर खत्म हो गया? सिम्बा, हमारी जान को खतरा है, हमारे पता में कुछ अजीब सा दिखाई पड़ रहा है। क्या तुम इसके बारे में और जानकारी दे सकते हो? कुछ खास नहीं, इस बार पदक ने कुछ नहीं दिखाया, बस अचानक रोशनी नजर आई। मुझे लगा कि जैसे घास में कोई हलचल हुई है, पर इसका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं पाया। अकेला छोड़ दो। पर मैंने क्या किया? कुछ नहीं, पर सैम ये बताओ घास से कैसा खतरा हो सकता है? ये कोई पहेली है क्या? काश ये पहेली होती, पर सच में ये गंभीर मसला है। कोशिश करता हूँ, सोचना पड़ेगा। हाँ जवाब मिल गया। मिल गया तो बताओ। अगर घास में सांप छुप कर बैठा है तो उस घास से खतरा होगा ना? हाँ तुम सही कह रहे हो। सैम तुमने कमाल कर दिया, इसका मतलब कोबरा ही है। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ये खतरनाक बात है, सिम्बा को बताना होगा। सैम आओ, छोड़ो मुझे। इसका मतलब कोबरा का दांत निकला, सबको बताता हूँ कि दुश्मन हमारी ओर आ रहा है। सही कहा। पता नहीं हमारी चाल कामयाब हुई भी या नहीं। ये तो मैं नहीं जानता सरकार, लेकिन वो सिम्बा को हरा देगा और आप राजा बन जाएंगे। इसी दिन का इंतजार है, जल्दी ही कोबरा लड़ाई के मैदान में बुलाएगा, तब सिम्बा हार मान कर हमारे आगे घुटने टेकेगा। उसकी तो कट जाएगी सरकार नाक। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर तो और भी अच्छा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने हमेशा आपकी कल्पना शक्ति की दाद दी है सरकार। हाँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ उसके पराजित चेहरे की। साथियों घास से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी जाओ दोस्तों, जल्दी से नदी की तरफ, नदी की तरफ। कोबरा की फौज घास में छिपी है, वो हमला करने वाले हैं। जल्दी सब सुरक्षित जगह पर चलो, ख्याल रखना वो घास में छिपे हो सकते हैं। फ्लैश, ये घास सुरक्षित नहीं है, कोबरा का दांत निकला। अब ये तुम क्या कर रहे हो? सांपों को मारने के लिए पत्थर ले रहा हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। बकशॉट अपने पीछे देखो। दुश्मन ने हमला कर दिया। तुम्हारे लिए लाया हूँ, मजा आया ना? सीधा नाक पे मारा।
देखा तुमने क्या झटका दिया फ्लैश ने उसे। चलो चलकर देखते हैं क्या हालत होगी उसकी। आ जाओ। हे दोस्तों, तुम दोनों वहाँ मत जाओ। वहाँ पर कोबरा तुम पर हमला कर सकता है। और वैसे भी तुम दोनों ने ही बताया था इस हमले के बारे में। तुम्हें लगता कि हम लुटेरे उन रेंगने वाले आलसी सांपों से डरते हैं? हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि फ्लैश ने उसका क्या हल किया। क्या फ्लैश ने कोबरा के साथ लड़ाई की? वो बॉक्सर का पीछा कर रहा था इसलिए फ्लैश ने उस पर हमला किया। झटका देकर। तो हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई। तुम तो गद्दार निकले। तुमसे बड़ा नहीं। मैंने कभी किसी से गद्दारी नहीं की। गलत। तुमने मेरे भाई की हत्या की। हत्या? वो अपनी कड़वाहट और नफरत की वजह से जान गवा बैठा। उसके साथ जो भी हुआ वो उसी लायक था। गद्दार था तुम्हारी तरह। तुम झूठ बोल रहे हो का? मैं भाई की जान का बदला लूंगा। अपनी बकवास बंद करो वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारे भाई जैसी कर दूंगा। सही कह रहा है। का, तुम उसकी तरफ मत देखो। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फ्लैश, जल्दी करो, का को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा अंत नजदीक आ चुका है गद्दार। शेर खान से दोस्ती करके आज तक किसका भला हुआ है? बहुत बड़ी गलती। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमें धोखा दोगे? अब तुम्हारी खैर नहीं। नहीं कहा, उसे जान से नहीं मारना है, उसे जाने दो। ये गद्दार है सिम्बा। मैंने कहा उसे जाने दो। ये अपने भाई की तरह ही गद्दार निकला। इसे मरना ही होगा। इसे मारने से हमारे राज्य में शांति तो लौटकर नहीं आएगी ना। पर अगर हम इसे माफ कर दें और जाने दें तो शायद किंग कोबरा कुछ सबक सीख जाए। लगता है उसका काम तमाम हो गया। जान बचाने का शुक्रिया। हमारे जंगल का कानून कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। लेकिन मैं ऐसा कोई काम करके अपने आप को राजा नहीं कहलाना चाहता जो कि गलत हो। और तुम सबने मिलकर मेरे साथ धोखेबाजी की है। पर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हें जंगल से निकाला जाता है। दोबारा यहाँ कभी मत आना। बिल्कुल सही फैसला है बकशॉट। अब हम हमारी जादू शक्ति का उपयोग करेंगे। जैसा तुम कहो सिम्बा। Oh,
जिस आदर्श राज्य का सपना सिम्बा और उसके साथियों ने देखा है, उसे स्थापित करने में और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या शेर खान सिम्बा के खिलाफ फिर कोई चाल चलेगा? आगे क्या होता है ये जानने के लिए जरूर लौटिए।